नमस्कार, मैं तरला दलाल बोल रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन दाल फ्राई। आपने दाल फ्राई का तो नाम सुना ही है, पर वहाँ पे खटाई के लिए टमाटर का बहुत उपयोग होता है। आज यहाँ पे लेमन जूस का उपयोग है। एब्सोल्युटली डिफरेंट दाल, हरी हरी, खाने पे भी मजा आएगी। चलो अब हम बनाएं दाल फ्राई। दाल फ्राई के लिए हमें चाहिए मूंग और तुवेर की दाल, प्याज, कोबरा, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, हल्दी, नमक, तेल और नींबू का रस। अभी देखिए दाल कैसे बनती है। तो ये है तुवे की दाल और मूंग की दाल। इसको आधा से पौना घंटा भिगा दिया और भिगने के बाद अभी हम प्रेशर कुकर में डालेंगे एक कप पानी के साथ। कितना? एक कप पानी के साथ। और दाल, एक चीज़ याद रखना, आपको जल्दी होगा ना तो पानी गर्म रखिए, तो दाल 2 मिनट में पक जाती है, फटाफट हो जाती है। हमेशा हॉट वाटर कीप हैंडी, तो फटाफट दाल बन जाएगी। चावल, दाल, कोई भी चीज़ ऐसे। ये है नमक, हल्दी, अच्छी तरह हिला लीजिए और इसे अच्छी तरह पका दीजिए। 3 सीटी, कितना? 3 सीटीज। प्रेशर कुकर ठंडा हो गया, अभी हम खोलेंगे। अभी चाय इतना, हम थोड़ा पानी डाल सकते। बहुत से लोगों को गाढ़ी दाल पसंद। देखिए अभी हम कैसे बना रहे हैं। अभी हम दाल फ्राई के लिए मसाला पीसेंगे। इसमें चाहिए हरा धनिया ताजा, फिर थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा कोकोनट ताजा, हरी मिर्च, अदरक, गार्लिक, नींबू का जूस। इसको अच्छी तरह पीस लीजिए पानी डाल के। ये अपनी पेस्ट तैयार हो गई। अभी हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। ये डाला हमने तेल और फिर अब डालेंगे पिसी हुई पेस्ट। अभी हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। है ना बढ़िया कलर। अपना मसाला अभी अच्छी तरह सेक गया है। अभी हम डालेंगे दाल। और गरम पानी। अच्छी तरह हिलाते रहे। नमक डालेंगे। बस हिलाते रहिए। आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे थोड़ा पानी डालिए। अच्छी तरह उबल ले देंगे। इसको बोला जाता है कठी दाल, मीन्स गाढ़ी दाल। मैं लगती हूँ 1 और चम्मच पानी डालती हूँ बस। तो
तैयार हो गई अपनी ग्रीन दाल फ्राई। अभी मैं दाल टेस्ट करूंगी कैसी लगती है। आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी डालिए। टेस्टी एंड स्पाइसी, इट्स रियली नाइस। और चावल के साथ खाए मज़ा आ जाएगी। आपको मेरी सिंपल रेसिपी कैसी लगी? आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आपको मेरी दूसरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। अरे हाँ, आपके सजेशंस और कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए।